हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रायशुमारी में आए नामों पर बीजेपी ने शुरू किया मंथन। जयपुर रायशुमारी के बाद अब योद्धाओं से चुनावी समर में उतारने के लिए भाजपा का चिंतन मनन शुरू हो गया। आज से रायशुमारी के दौरान सामने आए नामों को चिन्हित किया जाएगा। इन नामों को पैनल में शामिल कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। दरअसल प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में शामिल सदस्य आज जयपुर के एक निजी होटल में नामों पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में प्रदेश के आला नेता दिल्ली भेजे जाने वाले नामों को तय करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान विधानसभा स्तर पर प्रत्येक सीट के लिए हुई रायशुमारी में सामने आए नामों से ही कुछ नाम निकाले जा रहे हैं। ये नाम हाल ही में हुई रायशुमारी और उसके बाद जिला स्तर पर भेजे गए प्रदेश नेताओं के फीडबैक के आधार पर तय किए गए हैं। चिंतन का ये दौर 2 दिन चलेगा और उसके बाद हर विधानसभा पर जिताऊ प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर दिल्ली भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। 1 नवंबर को दिल्ली में भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष इन नामों पर दोबारा चर्चा होगी और संभवतः दीपावली के आसपास भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। कोर कमेटी में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि रायशुमारी में जो नाम सामने आए हैं उनमें सबसे मजबूत नाम जो होगा उसे दिल्ली भेजा जाएगा। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।